मिसाइल्स की अगली श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि भारत के पास कितने प्रकार के मिसाइल हैं। तो भारत के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स दोनों हैं। हम लोग पहले भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स देखते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हम लोग चार कैटेगरी में बांट करके देखेंगे। कैपिटल ए में हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स हैं, उसमें भी सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल होते हैं वो रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज चार प्रकार के होते हैं। तो हम सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पहले ही हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जिन मिसाइल्स की रेंज 1000 किलोमीटर से कम होती है उन्हें हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये टेबल है, इसमें हम लोग चार चीजें देखेंगे, एक तो मिसाइल का नाम, दूसरा उसका रेंज, रेंज यानी हॉरिजॉन्टली यदि एक जगह से फेंका गया तो हॉरिजॉन्टली दूसरी जगह कितनी डिस्टेंस में जाके गिरता है उसको रेंज कहते हैं। प्रोपेलेंट यानी उसमें किस प्रकार के फ्यूल का यूज किया जाता है। वॉर हेड, ये जो रेंज लिखे हुए हैं ये रेंज वेरी करते हैं। यहां पर ये जो रेंज लिखे हैं ये इतने किलोग्राम वॉर हेड के साथ है। यदि ये वॉर हेड हम ज्यादा कर देंगे तो इनकी रेंज कम हो जाएगी और वॉर हेड कम कर देंगे तो रेंज ज्यादा हो जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड डीआरडीओ ने जितने किलो वॉर हेड के साथ जितना रेंज बताया है हम यहां पर उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि कुछ खास बात रिमार्क के रूप में है तो हम उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भारत के। भारत की सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी पर है जिसका रेंज 150 किलोमीटर है, स्टैंडर्ड वॉर हेड 1000 किलोग्राम के साथ। मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, 1000 किलोग्राम के साथ इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। अगर आप वॉर हेड कम कर देंगे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी, वॉर हेड बढ़ाते जाएंगे इसकी रेंज कम होती जाएगी, यानी रेंज एंड वॉर हेड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिमार्क में आपको एक बात ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया पहला मिसाइल है भारत। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इंदिरा गांधी के समय में भारत ने अपने खुद के मिसाइल बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया था ताकि हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से, दूसरे देशों की निर्भरता से अलग होकर अपने मिसाइल हम खुद बनाए। और ये काम डीआरडीओ को दिया गया था। 1983 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, याद रखिए लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाना या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बनाना इसका टारगेट नहीं था। इसका टारगेट था शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स बनाना और वो भी टैक्टिकल मिसाइल बनाना, स्ट्रैटेजिक मिसाइल बनाना नहीं। इस प्रोग्राम में बहुत सारे मिसाइल बनाए गए। कौन कौन से मिसाइल इस प्रोग्राम में बनाए गए ये आपको ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ द्वारा 1983 में प्रारंभ किया गया और इसकी जो लीडरशिप दी गई, ये सारे मिसाइल डेवलप करने का जो जिम्मा दिया गया वो दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम को। ये लिखा हुआ है एपीजे एके अब्दुल कलाम, उनको ये नेतृत्व दिया गया और उन्होंने ये सारे मिसाइल बनाए, इसलिए उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब इस प्रोग्राम में कौन कौन से मिसाइल बनाए गए, पी फॉर पृथ्वी, पृथ्वी वन फर्स्ट मिसाइल है जो इस प्रोग्राम में बनाया गया, पृथ्वी टू, पृथ्वी थ्री, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि थ्री इज द लास्ट मिसाइल डेवलप अंडर दिस प्रोग्राम। तो पृथ्वी वन से लेकर अग्नि थ्री तक ये ध्यान रखना, आपको कभी परीक्षा में आ सकता है कि कौन सा मिसाइल इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं बनाया गया या बनाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत अब जब हमें मिसाइल बनाना है तो मिसाइलों को टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर, आज भी उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, उसका नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहां से हम अपने मिसाइल्स का परीक्षण करते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मिसाइल का परीक्षण करना हो या सैटेलाइट का परीक्षण करना हो, कोई भी देश उसे हमेशा अपने पूर्वी तट पर बनाता है, पश्चिमी तट पर नहीं बनाता, उसके और इक्वेटर के नजदीक होना चाहिए उसको। ठीक है, या तो उसको मैग्नेटिक इक्वेटर के नजदीक होना चाहिए या जियोग्राफिक इक्वेटर के नजदीक होनी चाहिए। ये बात आप हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। तो बालासोर और
उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने ITR1, ITR2, ITR3 ऐसे कई टेस्टिंग रेंज बनाए, लेकिन जितने भी बनाए सभी उड़ीसा में थे व्हीलर आइलैंड पर। ये व्हीलर आइलैंड कहाँ है? चिल्का लेक में। चिल्का लेक के पास चांदीपुर है, वहीं पर व्हीलर आइलैंड है, वहीं पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। अब इस व्हीलर आइलैंड का नाम हमने अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है अब्दुल कलाम आइलैंड आए, चांदीपुरा है, बालासोरा है, व्हीलर आइलैंड आए, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आए, ये सब जो है एक ही नाम है और ये मिसाइल परीक्षण के केंद्र है भारत की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतने मिसाइल जो है ये हमने किस प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शॉर्ट और मिडिल रेंज के लिए था, मिड रेंज के लिए था, सारे मिसाइल टेक्निकल थे, अब्दुल कलाम के नेतृत्व में डीआरडीओ द्वारा 1983 में शुरू किया गया, 2008 में खत्म कर दिया गया। खत्म इसलिए कर दिया गया कि इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो गए और अब हम लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाएंगे और इंडिजिनस के साथ साथ अब हम कुछ और देशों के साथ कोलैबोरेशन करके भी बनाएंगे, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब दूसरी मिसाइल है हमारी प्रहार। इसका भी रेंज 150 किलोमीटर है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जितने हैं ये 1000 किलोमीटर के भीतर है, ये सारे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 150 किलोमीटर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी में कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कितने स्टेज रॉकेट लगा हुआ है उसमें और फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो वन स्टेज रॉकेट लगा हुआ है और लिक्विड फ्यूल ये यूज करता है। उसी प्रकार प्रहार सॉलिड है, वन स्टेज है, 200 किलोग्राम वॉरहेड के साथ इसकी क्षमता 150 किलोमीटर की है। फिर प्रलय प्रगति, ये जो है आपको समझना है कि ये जो प्रलय है और प्रगति है ये प्रहार के ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो प्रहार 150 किलोमीटर, प्रलय 150 किलोमीटर, फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन है प्रगति और फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन है प्रनाश। तो सॉरी, ये तीनों जो है एक ही टाइप के मिसाइल है। आपको ध्यान रखना, प्रलय का मॉडिफाइड वर्जन प्रगति, उसका मॉडिफाइड वर्जन प्रनाश। ये 150, ये 200, ये 170, ये 200 किलोमीटर, तीनों में सॉलिड फ्यूल यूज होता है, वन स्टेज रॉकेट है और तीनों 200 किलोग्राम वॉरहेड के साथ इस रेंज तक जाते हैं। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर स्टैंडर्ड रेंज है इसकी, लिक्विड इसमें यूज होता है, फ्यूल वन स्टेज रॉकेट होता है, 500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ ये 350 किलोमीटर जाता है। फिर है धनुष, 350 किलोमीटर सॉलिड, 2 स्टेज, 1000 किलोग्राम वॉरहेड के साथ। इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि इट इज नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी 3। अब आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी 3 मिसाइल है हमारे पास जो कि लैंड वर्जन है, यानी इसको सरफेस टू सरफेस यूज किया जाता है, और ये जो हमारा धनुष है इसको सिप टू सरफेस यूज किया जाएगा। सरफेस को होगा लेकिन सरफेस लैंड का नहीं होगा, सिप का होगा, नेवी द्वारा प्रयोग में लिया जाएगा, इसलिए धनुष इज द नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी 3, ठीक है। ये सारे मिसाइल आपको ध्यान रखना है, सरफेस टू सरफेस है और कैपिटल स्मॉल ए के अंतर्गत शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम उसका दूसरा भाग स्मॉल बी देखते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? 1000 किलोमीटर से ज्यादा और 3500 किलोमीटर तक, 3000 से 3500 किलोमीटर तक जिसकी क्षमता होती है उसे हम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अग्निवन और अग्नि इसी कैटेगरी में आते हैं। अग्निवन 1000 किलोमीटर और उससे ऊपर जा सकता है, 1000 से 1200 किलोमीटर, इसलिए हमने इसको मीडियम रेंज में रखा। अगर 1000 और उससे कम होता तो उसको शॉर्ट रेंज में रखेंगे। अग्नि 2 मीडियम रेंज 2500 किलोमीटर, ठीक है, सॉलिड 1 स्टेज, सॉलिड 2 स्टेज, 1000 1000, ठीक है। कहीं कहीं किसी किताब में यदि अग्निवन 1250 लिखा तो भी गलत नहीं है, कारण वॉर हेड कम कर दो 1250 को चला जाएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो ये हमारे इतने मिसाइल्स अभी हमने देखा, शॉर्ट रेंज देख लिया, मीडियम रेंज देख लिया, और अब हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल कितने हैं। तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भारत में 2 है इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, पहला दूसरा। पहला है अग्नि 3
और दूसरा है अग्नि फोर, अग्नि थ्री। 3000 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक, 3000 टू 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और अग्नि फोर 3500 से लेकर के 4000, यानी ये 3000 से लेके 5000 तक जाता है। स्टैंडर्ड जो है दोनों में सॉलिड फ्यूल में यूज किया जाता है, दोनों में टू स्टेज रॉकेट लगाया जाता है, और दोनों की जो ये रेंज है स्टैंडर्ड 2000 किलोग्राम वॉरहेड जिसका, ठीक है। ये आपको ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि थ्री और अग्नि फोर। अग्नि थ्री के बारे में बात यह है कि ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाया गया लास्ट मिसाइल है। इसके बाद हमारे पास है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। अब आपको याद रखना है कि ये जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज की डेफिनेशन सरफेस टू सरफेस के लिए अलग होती है, सरफेस टू एयर के लिए अलग होती है, एयर टू एयर के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस टू सरफेस की। तो सरफेस टू सरफेस में हमारे पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अंतर महाद्वीपीय 5500 किलोमीटर से आगे जाने वाली जो मिसाइल्स है उन्हें हम कहते हैं, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाए हम उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, और साथ ही 5500 से ज्यादा उनकी रेंज होनी चाहिए। ऐसी भारत के पास वर्तमान में एक ही मिसाइल है और वो है अग्नि 5। अग्नि 5 जो है वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाला मिसाइल है जिसकी रेंज ऑफिशियली DRDO के हिसाब से 5600 से लेकर के 5800 किलोमीटर तक है, लेकिन अनऑफिशियली कई सोर्सेस से इसकी जो रेंज है उसे 6000 से 8000 किलोमीटर तक भी माना गया है। गलत दोनों नहीं है, लेकिन DRDO का ऑफिशियली ये वाला है इसलिए हम इसको मानेंगे, तो भी 5500 से ज्यादा ही है और हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इसका टेस्ट हो गया है लेकिन अभी इसको आर्मी में या फोर्स में कहीं भी इंडक्ट नहीं किया गया है, बहुत जल्द इसको आर्मी में जो है इंडक्ट यानी सर्विस में इसको ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास दूसरा मिसाइल जो हम लोग अंडर डेवलपमेंट है वो है अग्नि 6, और अग्नि 6 जो है वो भी 3 स्टेज होगा सॉलिड रॉक फ्यूल इसमें हम यूज करेंगे, और अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसकी रेंज मानी जा रही है कि ये 10,000 प्लस किलोमीटर होगा, 10,000 से भी ज्यादा इसकी रेंज होगी, 10,000 से लेकर 12,000 तक ऐसा माना जा रहा है, ठीक। अग्नि 6, अब एक बात यहां ध्यान रखना है, जब अग्नि 5 डेवलप किया जा रहा था तो अग्नि 5 को डेवलप करने के लिए DRDO ने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया था एक महिला साइंटिस्ट को, जिसका नाम था टैसी थॉमस, TESSY, टैसी थॉमस। इसलिए अब उनको इंडिया की मिसाइल विमेन का जो दर्जा है वो प्राप्त। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सूर्या, SURYA, सूर्या, और इसको माना जा रहा है कि ये 12,000 से लेके 16,000 रेंज वाली मिसाइल होगी, ये भी अंडर डेवलपमेंट है और ये अनऑफिशियली है, ऑफिशियली DRDO की साइट में सूर्या का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई ये मिसाइल भी डेवलपमेंट में है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये भारत के हो गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस में हमने इतने प्रकार के मिसाइल थे जिसको हमने खत्म कर लिया, अब हम आगे देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। अब हम देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के पास कितने हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं सरफेस टू एयर के लिए हम लोग शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज की डेफिनेशन क्या है। तो यदि कोई सरफेस टू एयर मिसाइल 25 किलोमीटर तक जा सकती है, 0 से 25 किलोमीटर, तो हम उसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, 25 से 50 में मीडियम
मिसाइल, 50 से 100 में उसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा है तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। वहां पर सर्फेस टू सर्फेस में हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते थे, लेकिन यहां पर केवल उसको लॉन्ग रेंज बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं बोलते, क्योंकि 100 से ज्यादा डिस्टेंस में कोई मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज वहां पर जो लॉन्ग रेंज थे वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी थे, यहां पर जो लॉन्ग रेंज है केवल लॉन्ग रेंज है, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं। चलिए, भारत के पास पहला जो सर्फेस टू एयर मिसाइल है आकाश, 60 किलोग्राम वॉरहेड के साथ इसका जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर। मैक्सिमम हाइट ये कहां तक जा सकता है, एटमोस्फियर में 18 किलोमीटर की हाइट तक ये जा सकता है। इसमें सॉलिड वन स्टेज रॉकेट इंजन लगा होता है और आकाश में ये खासियत है, इसके साथ हमने राडार भी लगा रखी है, यानी हमारे लिए एटमोस्फियर में एक राडार का काम भी करता है और उस राडार का नाम है राजन। चलिए, इतनी जानकारी आकाश के बारे में। 120 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 9 to 12 किलोमीटर इसकी रेंज है, 150 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 12 किलोमीटर, 12-8 जो है ये 200 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 120 किलोमीटर तक जा सकती है। 12 जहां पर आया है, 1 हो या 8 हो, इंडिया और इसराइल ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ठीक है, इसमें से जो 12-8 है ये 3 देशों में यूज में लाया जाता है, इसराइल, इंडिया और अजरबैजान। तो कभी परीक्षा में पूछ रहे कि कौन कौन से देश 12-8 मिसाइल का उपयोग करते हैं, ये 3 देश ही उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसराइल ने जैसा कोलैबोरेशन इंडिया के साथ किया वैसा अजरबैजान के साथ भी किया है। अब आप इसमें से देख करके समझ सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर है यानी 25 से ज्यादा है, तो आकाश एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सर्फेस टू एयर। त्रिशूल शॉर्ट रेंज है, बारात भी शॉर्ट रेंज है, बारात 120 यानी 100 से ज्यादा है तो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, मैत्री 25 किलोमीटर मीडियम रेंज में हम इसकी काउंटिंग करते हैं, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के बनाया है। ये 5 मिसाइल भारत में सर्फेस टू एयर, जिनमें से आकाश और त्रिशूल हमारे इंडिजिनस हैं और बाकी बारात पर बारात और मैत्री हमने इसराइल और रिस्पेक्टिवली फ्रांस के साथ मिलकर के बनाया है। अब एयर टू एयर मिसाइल हमारे पास 4 अस्त्र हमारा खुद का बनाया हुआ है, 80 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इस मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी, एयर टू एयर मिसाइल भी कहते हैं, एक्सेक्टली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसका दूसरा नाम। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या है कि ये जो अस्त्र मिसाइल है इसको जब दागा जाएगा तो एयर टू एयर है, तो एयर में हम किसी व्यक्ति को रखते हुए नहीं भेजेंगे, तो इसको किसी न किसी फाइटर प्लेन में फिट रखा जाता है। ठीक है, हमने इसको कहीं सुखोई के साथ फिट करके रखा होगा, ठीक है, या हॉक के साथ फिट करके रखा होगा, या मिग के साथ, तो इसको एयरक्राफ्ट में हम लोग फिट करके रखते हैं। अब यदि जनरली जो विजुअल है आकाश में जो पायलट है फाइटर प्लेन का, वो 37 किलोमीटर तक देख सकता है स्ट्रेट सामने, उसको 37 किलोमीटर तक चीजें दिखाई देती है, लेकिन वो साइज भी ठीक ठाक होना चाहिए, यानी अगर वहां से कोई मिसाइल या फाइटर प्लेन आ रहा है तो 37 किलोमीटर तक वो देख सकता है। तो पायलट के इस डिस्टेंस के बाद का जिस जो डिस्टेंस है जिसको वो नहीं देख पाता उसको बोला जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो ये जो मिसाइल है 37 किलोमीटर के बाद भी यदि कोई टारगेट है उसमें भी अचूक निशाना साधने में कैपेबल है, ऐसी टेक्नोलॉजी है इस मिसाइल में, इसलिए इसको कहा जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। दूसरी मिसाइल है NICA, 100 किलोमीटर मारक क्षमता है, 1AK-100 300 किलोमीटर मारक क्षमता है, इसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। एक और मिसाइल है लाहट LAHT, इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, 100 किलोमीटर मारक क्षमता है, इंडिया और इसराइल ने मिलकर के बनाया है। इस प्रकार से ये हमारे एयर टू एयर मिसाइल हो गए। अब हम कुछ और मिसाइल देखते हैं, सबमरीन लॉन्च मिसाइल और कुछ एंटी टैंक मिसाइल और फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, और मिसाइल्स में सबमरीन लॉन्च मिसाइल, सबमरीन माने पनडुब्बी, पानी के नीचे डूबे हुए जहाज, आपने काशी फिल्म में देखा होगा और भी कई हॉलीवुड मूवीज में। तो
ये पानी से डूबे हुए होते हैं और पानी से सरफेस की तरफ समुद्र में लॉन्च करते हैं, या पानी से ही जो डूबा हुआ जहाज है वो पानी के अंदर ही दूसरा कोई जो जहाज है उसके लिए काम में लाया जाता है। तो ये सबमरीन से पनडुब्बियों से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल, दो मिसाइल हमारे पास, एक के फैमिली है, के फैमिली के फोर के फाइव के फिफ्टीन, यहाँ पर के का मतलब कलाम है, ये आपको ध्यान रखना, के फिफ्टीन को सकाजिका है, ये हमारे किसी न किसी जहाज में लगा दिए जाते हैं, जैसे INS अरिहंत के साथ लगा दिया जाएगा, INS सिंधु रक्षक के साथ लगा दिया जाएगा, ठीक है, INS विक्रमादित्य के साथ लगा दिया जाएगा, तो किसी न किसी जहाज के साथ इनको फिट करके रखा जाता है। दूसरा है अश्विन, तो ये जो है तीन ये और एक चार, ये सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल है। कुछ हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल है, देखते हैं नाक थर्ड जनरेशन का, ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ATGM का मतलब क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, थर्ड जनरेशन, ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है? जब किसी मिसाइल को उसके टारगेट तक यदि गाइड न किया जाए, बल्कि कुछ इनिशियल डिस्टेंस तक उसको गाइड किया जाए और उसके बाद फिर उसको गाइड ना किया जा सके, ऐसे मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं। बात समझ आ गई? द मिसाइल विच कैन बी गाइडेड अप टू सर्टेन डिस्टेंस नॉट द थ्रो आउट इज नोन एज फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर कर दिया और भूल जाओ, ठीक है, आपको कहां जाके गिरता है, हालांकि प्रिसाइसनेस होती है उसमें, ऐसा नहीं, ठीक है, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस के बाद आपका कंट्रोल उसमें खत्म होता है। तो ये फायर एंड फॉरगेट, भारत में दो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ठीक है, वैसे कुछ सारे बैलिस्टिक मिसाइल फायर एंड फॉरगेट होने चाहिए, क्योंकि फायर एंड फॉरगेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, या बैलिस्टिक मिसाइल हमने क्या पढ़ा है, कि बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित दूरी तक ही गाइडेड होते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल थ्रू आउट गाइडेड होते हैं, लेकिन कुछ सारे मिसाइल को ना कह सकते, एक तो नाक है जिसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं, दूसरा क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट नहीं होते, लेकिन हमारा ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट है, उसका उसके पीछे उसका स्पीड काम है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पीड इतना है उसका कि उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता, इसकी ब्रह्मोस और ना भारत में फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसी प्रकार इसके पहले मैं आपको पढ़ाया बियॉन्ड विजुअल रेंज, केवल एयर टू एयर मिसाइल ही बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैटेगरी में आता है, नो अदर, ये भी याद रखना। चलिए अब ये नाम मिसाइल है, इसके तीन वेरिएंट, तीन अलग अलग ग्रुप है इसके, एक को हम बोलते हैं प्रोस्पीना, ये जो प्रोस्पीना है ये लैंड में यूज किया जाता है, यानी आर्मी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। हेलिना का यूज एयरफोर्स करती है, हेलिना का फुल फॉर्म है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाक, ये नाक मिसाइल ही है लेकिन हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने की कैपेसिटी इसमें है, इसका रेंज 4, इसका 10, इसका 20, तो ये एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता है और ये नेवी द्वारा यूज किया जाता है, तो ये तीन अलग अलग वेरिएंट है नाक मिसाइल के। तीसरे को बोला जाता है SANT संत नहीं, इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक नाक मिसाइल, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म, तो ये SANT, तो ये तीन वेरिएंट है नाक मिसाइल। इसके अलावा हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल में एक और है अमोघ वन सेकेंड जनरेशन माने बहुत हाई डेवलप्ड नहीं है, सेकेंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है, ठीक। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो मिसाइल्स होते हैं उसका हमने चर्चा कर लिया। अब इसके बाद हम यहां पर चर्चा करेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, यदि एक देश ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया और शत्रु देश चाहता है कि उस बैलिस्टिक मिसाइल को हम रास्ते में ही खत्म कर दें, तो उसके लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे देश को बनाना पड़ता है। तो भारत ने भी ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बना रखे हैं और दुनिया के चुनिंदा देश ये हैं जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। तो चलिए हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, तो BMDS इनका मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, या इसी को बोला जाता है मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। भारत के पास ऐसे तीन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप कर रखा है, एक का नाम है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD, ये जो है ये एंडो एटमोस्फेरिक है,
एंगल का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल में 30 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। यानी कोई मिसाइल वायुमंडल में 30 किलोमीटर की हाइट तक है तभी ये उसको खत्म कर सकता है, अदरवाइज खत्म नहीं कर सकता। अरे बस 2 मिनट का और नहीं है। तो एंडो, ठीक है, इसका दूसरा नाम है अश्विन। एक दूसरा हमने पृथ्वी मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस सिस्टम के रूप में, एंटी बैलिस्टिक के रूप में, पृथ्वी एयर डिफेंस एक्सो एटमोस्फेयर, यानी 80 किलोमीटर की हाइट तक जाकर के मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इसका दूसरा नाम हमने रखा प्रद्युम्न। और तीसरा है पृथ्वी डिफेंस वेरिएंट। ये पृथ्वी का ये डिफेंस जो पृथ्वी एयर डिफेंस उसका एक नया वेरिएंट है, पृथ्वी डिफेंस वेरिएंट। ये भी एक्सो एटमोस्फेयरिक है और ये 80 किलोमीटर तक है, ये उससे थोड़ी ज्यादा 120 किलोमीटर तक है। तो इस प्रकार से ये होगा हमारे सारे बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। और अब हम लोग चर्चा करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। भारत के क्रूज मिसाइल्स, तीन क्रूज मिसाइल्स है इंडिया में। एक है निर्भय, सबसोनिक है, सबसोनिक यानी इसकी स्पीड 1 मैक से कम है, 1000 रेंज तक, 1000 किलोमीटर की रेंज इसकी है। ब्रह्मोस जिसको हमने इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। निर्भय हमारा इंडिजेनसली डेवलप्ड है, सारी टेक्नोलॉजी, सारा मटेरियल, सब कुछ हमारा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक, ब्रह्मोस 1 सुपरसोनिक, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, लेकिन दोनों की रेंज 290 किलोमीटर है। अब दोनों मिसाइल्स की जो रेंज है वो 290 किलोमीटर ही क्यों है, मतलब इतना स्पेसिफिक 290 क्यों है, ठीक है 300, 400, 500, 600 इस तरीके से जो है नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। एक अंतरराष्ट्रीय नियम है जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 1987 में ये व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय नियम है, 1987 में आया। G7 में कंट्रीज ने ये नियम को बनाया था, हालांकि अब उसमें कुल सदस्यों की संख्या बढ़ गई हुई है 35। जून 2016 में इंडिया इसका मेंबर बन गया, इसके पहले नहीं था। इसके पहले इसके मेंबर की संख्या 34, लेकिन इंडिया को इंक्लूड करते हुए अब टोटल संख्या इनकी 35 हो चुकी है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो है वो एनपीसीआर के सिग्नेटरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एनपीसीआर का उद्देश्य क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। WMD माने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसे हथियार जो एक ही स्ट्राइक में लाखों जर्मानस को एक साथ मारने की क्षमता रखता हो, इतना विनाश फैलाने की क्षमता रखता हो, ऐसे वेपन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD कहते हैं। और इनमें कन्वेंशनल वेपन्स नहीं आते, इसमें आ जाएगा आपका न्यूक्लियर वेपन, इसमें आपका आ जाएगा बायोलॉजिकल वेपन, इसमें आपका आ जाएगा केमिकल वेपन। तो एनपीसीआर का उद्देश्य है कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इनको दुनिया में फैलने से रोकना। कैसे रोका जाएगा, उसके लिए एक नियम है एनपीसीआर में। क्या नियम, कि कोई भी ऐसा देश जो एनपीसीआर का सिग्नेटरी है, पैसे वर्तमान में ऐसे किसी देश को जो एनपीसीआर का मेंबर नहीं है, बाकी देश जो एनपीसीआर के मेंबर नहीं है, तो मेंबर कंट्री ऑफ एनपीसीआर नॉन मेंबर कंट्री ऑफ एनपीसीआर को ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जिससे नॉन मेंबर कंट्री ऑफ एनपीसीआर 500 किलोग्राम या इससे ज्यादा, 500 किलोग्राम या इससे ज्यादा के किसी वॉरहेड को 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाने में कैपेबल हो। ये टेक्नोलॉजी, ये जो व्यवस्था है, ये कहता है कि कोई भी देश जो एनपीसीआर का मेंबर है, किसी दूसरे देश को जो एनपीसीआर का मेंबर नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, जिससे वह देश 500 किलोग्राम के आयुध को, वॉरहेड को 300 किलोमीटर तक ले जाने में कैपेबल हो। तो हमने 2005 से ब्रह्मोस का निर्माण शुरू कर दिया था और मेंबर हमारे 2016 में। तो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया, तो रशिया ने ये जो कितनी दूरी तक जाएगा ये टेक्नोलॉजी रशिया की है। तो रशिया ने हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में नहीं दी जिससे इस नियम का पालन ना हो, क्योंकि रशिया एनपीसीआर का मेंबर था, इंडिया नहीं था, इसलिए सोच विचार के रखा गया कितनी दूरी रखें ताकि
इस नियम का उल्लंघन ना हो तो रखा गया 290 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अब जून 2016 में भारत इसका मेंबर बन गया है, यानी हम आने वाले दिनों में ऐसे ब्रह्मोस बना सकते हैं रशिया के साथ मिलकर जो 300 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस तक जाए। इज इट क्लियर? चलिए, इसके अलावा एमडीसीआर के बारे में, ये नॉन ट्रीटी है, यानी ये कोई ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी जो होती है वो जनरली जिन देशों ने मिलकर उस ट्रीटी को किया है उसमें कोई बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंगनेस का कैरेक्टर उसमें होता है। तो इट इज नॉन ट्रीटी, ये व्यवस्था है, अरेंजमेंट, एक सिस्टम है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। यानी अगर कोई देश इस नियम का पालन नहीं करता तो ये नॉन बाइंडिंग है, यानी उसको पनिश नहीं किया जा सकता। ये नियम का पालन करना ही करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मोरली अगर आप इसके मेंबर हैं तो पालन करना है, लीगली अगर आप पालन नहीं करते कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लीगली दिस सिस्टम इज नॉन बाइंडिंग। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एमडीसीआर का मेंबर बनने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। तो भारत एक तो ब्रह्मोस मिसाइल को की अब रेंज बढ़ा सकता है, इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है, और वियतनाम से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, हम वियतनाम को बेचने वाले हैं, इसके बाद सिंगापुर को बेचने वाले हैं, फिर टर्की भी हमसे मांग रहा है, साउथ अफ्रीका को भी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे देशों को हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा, हम क्रायोजेनिक इंजन, अब हम इन 35 कंट्रीज के पास जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया के चलते हम दूसरे देशों के साथ मिलकर के, जिनके पास लंबी दूरी तक मिसाइल को भेजने की टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिलकर के हम मिसाइल बना सकते हैं, इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने से हमें मिलेगा। इसके अलावा चाइना को काउंटर करने की क्षमता हमारे पास आएगी, क्योंकि चाइना उसका मेंबर नहीं है, हम है, हम मिसाइल बेच सकते हैं, चाइना नहीं बेच सकता। हालांकि चाइना चोरी छुपे बेचता है, पाकिस्तान को बेचता है और भी कई देशों को बेचता है, ठीक है, तो लेकिन वो इलीगल कहलाएगा। अब हमारा अगर हम मिसाइल मार्केट में अगर हम इंटर करते हैं तो हम लीगली मिसाइल अपना बेच सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमको प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हमको यहां से मिल सकते हैं। एक और दुनिया में व्यवस्था है जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। ये पर्टिकुलरली नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, यानी दुनिया का कोई एक देश दूसरे देश को बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं देगा। 2002 में ये आया और इसको यूएन ने बनाया है, ये व्यवस्था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। 136 जो कंट्रीज है उन्होंने इसको साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इस प्रकार से ये भारत के क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एमटीसीआर के फायदे नुकसान, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर समाप्त होती है। और इसी के साथ मिसाइल में जो जुड़े हुए भारत के और अन्य भी मुद्दे थे वो हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।